Hello students, in the last video, we have studied about the DSB SC, double sideband suppressed carrier. Okay, and we have studied about the basic parts of DSB SC. Now, in this video, we will start with the important topic in DSB SC, that is generation of DSB SC. Okay, so first method is balanced modulator. Okay, so in balanced modulator, we need to study the block diagram first. ओके सो बैलेंस मॉड्यूलेटर का जो ब्लॉक डायग्राम है यहां पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं ओके और इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ही आपको फाइनल रिजल्ट दिख जाएगा ओके सो बैलेंस मॉड्यूलेटर टेक्निक ओके सो हियर वी रिक्वायर टू एएम मॉड्यूलेटर एएम मॉड्यूलेटर आपका क्या होगा जो आप लोगों ने डीएसबी एफसी में स्टडी किया था बेसिक एएम आपका वही है डीएसबी एफसी डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर ओके सो एएम मॉड्यूलेटर 1 And this is AM modulator 2. Okay. यहां पर हमें दो AM modulator चाहिए थे जो हमने बना लिए हैं उसके बाद किसी भी modulation technique के लिए आपको message signal चाहिए तो हम यहां एक message signal ले रहे हैं MT. Okay. First message को हम लोग directly AM modulator 1 में apply कर रहे हैं Okay. Now, अब हम लोग क्या करेंगे message को 180 degree phase shift करेंगे Okay. और AM modulator 2 में अप्लाई कर देंगे नाउ उसके बाद हम लोगों को दोनों के दोनों AM modulator में कैरियर सिग्नल अप्लाई करना है AC cos omega CT ओके सो आपका अपर AM modulator में और लोअर AM modulator में दोनों के दोनों AM modulator में हमने AC cos omega CT अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको दोनों AM modulator के आउटपुट को समेशन करना है ओके बट समेशन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अलजेब्रिक समेशन करना है दैट मींस जो आपका एएम मॉड्यूलेटर 1 का आउटपुट होगा वो प्लस में लेना है और एएम मॉड्यूलेटर 2 का जो आउटपुट है वो आपको माइनस में लेना है ओके सो ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा एसटी जो कि है आपका डीएसबी एससी सिग्नल तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर हो गया लेकिन यहां पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये होगा बट ये चीजें कैसे होंगी इसका एनालिसिस अब हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम में करते हैं ओके नाउ आप देखिए यहां पर जो आपका मैसेज सिग्नल है MT वो डायरेक्टली आपका AM मॉड्यूलेटर 1 में जा रहा है दैट मींस यहां पर आपका इनपुट क्या होगा MT और एक और इनपुट क्या है आपका AC cos omega CT ओके नाउ यहां पर आप देखिए मैसेज सिग्नल आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ सेकंड AM मॉड्यूलेटर में जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस MT ओके 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है माइनस साइन से मल्टीप्लाई होना दैट्स इट और कुछ भी नहीं है ठीक है नाउ यहां पर फिर एएम मॉड्यूलेटर 2 का जो इनपुट है वो क्या-क्या हो जाएगा माइनस एमटी एंड एसी कॉस ओमेगा सीटी ठीक है तो यहां पर हम लोग एएम मॉड्यूलेटर 1 के आउटपुट को दे देते हैं v1 एएम मॉड्यूलेटर 2 के आउटपुट को दे देते हैं v2 ओके सो v1 क्या हो जाएगा v1 आपका हो जाएगा एसी 1 plus KAMT cos omega CT. Okay. Now, ये equation कौन सा है? ये equation है standard AM equation, standard DSB FC equation. ठीक है ना? तो same equation हमने लिख दिया है यहाँ पर. क्योंकि हमारा जो message signal था, वो MT था. Now, अगर मैं बात करूँ V2 की, तो V2 जो है आपका, वहाँ पर equation आपका change होगा. क्यों change होगा? क्योंकि जो आपका मैसेज सिग्नल है वो माइनस एमटी है मींस आपको इन प्लेस ऑफ एमटी माइनस एमटी पुट करना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के ए एमटी कॉस ओमेगा सीटी ओके सो हमारे पास यहां पर दो इक्वेशंस आ गए v1 एंड v2 का ओके अब अगर आप ब्लॉक डायग्राम में ध्यान से यहां पर देखें तो ये v1 माइनस v2 हो रहा है इस समेशन में क्लियर है पॉइंट तो वही आपका क्या होगा एसटी होगा तो जो आपका एसटी है वो क्या हो जाएगा देखिए आप v1 minus v2 ठीक है तो फर्स्ट हम क्या है v1 में ac cos omega ct यहां पर भी क्या है ac cos omega ct कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है यहां पर देखिए क्या है ac kamt cos omega ct और यहां पर क्या है minus ac kamt cos omega ct जब आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर क्या होगा 2ac kamt cos omega ct ओके और हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में DSB SC मॉड्यूलेशन स्टार्ट किया था वहां पर हम लोगों ने देखा था k
कि अगर मैसेज मल्टीप्लाई होता है कैरियर के साथ, ओके, मींस एमटी इनटू कॉस ओमेगा सीटी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डीएसबी एससी मॉड्यूलेटेड वेव, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एमटी इनटू कॉस है और सामने आपके एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड आपका कुछ भी हो सकता है, मेन आपका एमटी इनटू कॉस है, ओके। तो यह आपकी जनरेट हो गई यहां पर डीएसबी एससी वेव फॉर्म। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं इस मेथड को फिर से देखूं, बैलेंस मॉड्यूलेटर जनरेशन टेक्निक ऑफ डीएसबी एससी, बहुत इजी मेथड है आपका। आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम दिमाग में रखना है और आप देखेंगे तो सिर्फ यहां पर आपने कैलकुलेशन किया है, कोई लॉजिक नहीं है इस मेथड में, ओनली कैलकुलेशन। अगर आपको एएम का इक्वेशन याद है तो आप बड़े इजीली यहां पर जनरेशन कर सकते हैं, ओके। नाउ जो सेकेंड मेथड हमें पढ़ना है डीएसबी एससी जनरेशन का, वो आपका थोड़ा सा लॉजिकल है और वही आपका इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि है आपका रिंग मॉड्यूलेटर, ओके। तो रिंग मॉड्यूलेटर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर एक एक्सेप्शन है जो आपको माइंड में रखना है। वो एक्सेप्शन है क्या? वो एक्सेप्शन ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट से ये बोला है कि कैरियर सिग्नल जो है आपका वो कोसाइन वेव होनी चाहिए, ठीक है ना, एसी कॉस ओमेगा सीटी होना चाहिए, जनरली हम यही प्रिफर करते हैं फॉर अ कैरियर। लेकिन यहां पर जो आपका कैरियर है रिंग मॉड्यूलेटर के केस में, वो होता है आपका स्क्वायर वेव, ठीक है, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। क्लियर है पॉइंट? तो सी टी और ये आपका क्या हो जाएगा, टी। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर एक एक्सेप्शन है जो आपको माइंड में रखना है कि इन केस ऑफ रिंग मॉड्यूलेटर कैरियर इज स्क्वायर वेव, नॉट अ कोसाइन वेव, ठीक है। अब यहां पर रिंग मॉड्यूलेटर का सर्किट कैसे बनता है या रिंग मॉड्यूलेटर को रिंग ही क्यों बोलते हैं, ये सब चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके, ओके। तो यहां पर जो रिंग मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम है उसमें आपके दो ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर के इनपुट में आप लगाते हो मैसेज सिग्नल एमटी, ओके, ये हो गया आपका इनपुट। प्राइमरी वाइंडिंग आपने ड्रॉ कर ली। नाउ सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका यहां पर फोर डायोड्स आपके कनेक्टेड होते हैं। किस तरह से होते हैं हम देखते हैं यहां पर, देखिए फर्स्ट आपका डी वन, ओके। नाउ यहां पर आपका कनेक्टेड होता है एक और डायोड, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए आप, इस तरह से एक और डायोड आपका कनेक्टेड होता है, क्लियर है। नाउ यहां पर अगर हम देखें, एक और डायोड आपका कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ओके। तो ये आपके फोर डायोड्स कनेक्टेड है टोटल, ओके। एंड इसके बाद आपका एक और ट्रांसफॉर्मर होता है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, देन अगेन सेकेंड ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहां से आप सेकेंड ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से ही आप क्या कनेक्ट करते हो, आउटपुट। तो ये हो गया आपका आउटपुट एस टी, ओके। नाउ आप लोगों ने एम टी लगा दिया मैसेज सिग्नल, आप लोगों ने आउटपुट ले लिया एस टी, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डीएसबी एस सी वेवफॉर्म होगी, क्योंकि वही आपको जनरेट करना है ना यहां से। नाउ अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए वो है कैरियर, क्योंकि कैरियर ही तो इंपॉर्टेंट है ना, विथाउट कैरियर मॉड्यूलेशन कैसे होगा। तो कैरियर कहां पे अप्लाई होता है, यहां पर ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होते हैं सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, ओके। और दोनों के जो टर्न्स रेशियो होते हैं 1:1, आइडियल आप लेके चलते हैं, आइडियल टर्न्स रेशियो, ठीक है। नाउ जो कैरियर आपका अप्लाई होता है वो इस सेंटर से ही अप्लाई किया जाता है, लाइक दिस, ये आपका कैरियर सिग्नल अप्लाई है यहां से, ओके। तो यहां पे जो आपने कैरियर सिग्नल अप्लाई किया है वो इस तरह से होगा सी टी कैरियर, ओके। सो ये आपका कंप्लीट डायग्राम बनकर तैयार होता है। क्लियर है पॉइंट? नाउ फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां जो कैरियर है वो आपका स्क्वायर वेव है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इस सर्किट का एनालिसिस करूं, तो इस सर्किट में आप देखिए जो मैसेज सिग्नल है आपका, वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर की, और जो कैरियर सिग्नल है वो इस तरह से कनेक्टेड है, आप देखिए जैसे हमने बनाया है कैरियर को, ओके। नाउ अब अगर मैं यहां पर केस वन कंसिडर करूं, केस वन जहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ कैरियर, ठीक है, सी टी पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव, क्लियर है सी टी के लिए। तो क्या होगा आपका, आप देखिए यहां से, अगर आपका सीटी जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर जो आपका पॉजिटिव जनरेट होगा, यहां भी क्या जनरेट होगा आपका, नेगेटिव, ओके।
तो यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये जो डायोड है आपका ये कितना हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ओके सेम जो आपका ये डायोड है वो कितना हो जाएगा रिवर्स बायस, क्लियर है पॉइंट। ये डायोड भी क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, और ये नीचे वाला डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। एक काम करते हैं हम लोग, इन डायोड्स को हम नेमिंग कर देते हैं D1, D2, D3 एंड D4, ओके। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि जब आप CT को पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो यहां पर आपका प्लस साइन जनरेट हो जाएगा, तो जो आपका D1 है ओके एंड जो आपका D4 है वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे, और D2 जो है और D3 है इनके यहां पर माइनस कनेक्टेड थे ना आप देख सकते हैं इस लाइन के साथ, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे रिवर्स, क्योंकि यहां पर आपका पॉजिटिव साइन जनरेटेड है बिकॉज CT क्या है आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो इस साइड आपका पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड, अगेन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फॉरवर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्स एंड सेम अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिवर्स। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो आपके D1 एंड D4 है वो आपके क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस, D2 एंड जो आपके D3 है वो क्या हो जाएंगे आपके रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस को मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस को क्या लेके चल रहा हूं ओपन सर्किट आइडियल केस, ठीक है। तो सर्किट आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, फर्स्ट में फिर से आपका इनपुट होगा MT, ओके। नाउ सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ड्रॉ करूं तो यहां पर देखिए D1 आपका क्या है शॉर्ट है, D4 भी क्या है आपका शॉर्ट है, और जो आपके D2 एंड D3 है वो क्या है आपके ओपन है, तो ये दोनों लाइन जो मिडिल वाली है वो क्या हो जाएंगी ओपन हो जाएंगी कंप्लीटली, ओके। तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा इस तरह से, ऊपर शॉर्ट नीचे भी क्या हो जाएगा शॉर्ट, और मिडिल में आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सेकेंड ट्रांसफॉर्मर को ड्रॉ करें हम लोग, तो अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मर के जो आउटपुट में आपका ST होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप देखिए हमने ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो 1:1 लिया है, क्लियर है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो इनपुट होगा पूरा का पूरा कहां आ जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो पूरा का पूरा जो आपका MT है वो प्लस माइनस MT पूरा का पूरा कहां आ जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब देखिए ये लाइन पूरी शॉर्ट है तो पूरा का पूरा MT यहां आ जाएगा आपका सेकेंड ट्रांसफॉर्मर की फर्स्ट वाइंडिंग में। अब आप देखिए सेकेंड ट्रांसफॉर्मर में भी जो टर्न्स रेशियो है वो 1:1 का है, तो पूरा का पूरा MT आ जाएगा आपका ST में, तो ST इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MT हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका केस वन है जहां हम लोगों ने पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ कैरियर ली, ठीक है ना, कैरियर आपका पॉजिटिव लिया, तो आपका D1 एंड D4 क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, D2 एंड D3 क्या हो गए ओपन सर्किट हो गए, ठीक है। नाउ जो आपका ST है वो किसके इक्वल आ गया MT के, ठीक है। नाउ अब अगर मैं केस टू लूं यहां से, केस टू में हम लोग लेने जा रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ कैरियर, ओके। तो नेगेटिव CT, इससे क्या हो जाएगा आप देखिए, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ कैरियर लेंगे तो मैं अगर ओरिजिनल फिगर में यहां पर देखूं तो ओरिजिनल फिगर में क्या होने वाला है आपका जो D1 है वो क्या हो जाएगा रिवर्स, D4 भी क्या हो जाएगा रिवर्स, D2 एंड D3 क्या हो जाएंगे आपके फॉरवर्ड, क्यों देखिए जब आप नेगेटिव लेंगे तो यहां पर नेगेटिव होगा तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कितना होगा रिवर्स, नेगेटिव नेगेटिव फॉरवर्ड, नेगेटिव नेगेटिव फॉरवर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव फिर से क्या हो जाएगा रिवर्स, ओके। तो सर्किट आपका कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगा, देखिए आप ये आपका हो गया MT इनपुट, ओके। नाउ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा ये आपका ओपन है D1 और D4 भी क्या है आपका ओपन है, बट जो आपका ये है वो शॉर्ट है ना, तो आपकी लाइन सीधा सीधा यहां आ जाएगी सेम ये वाली लाइन, ये भी आपकी शॉर्ट है, ठीक है। अब आप सेकेंड ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ कर दीजिए तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का सर्किट आपका बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं आपके रिफरेंस के लिए, D1 एंड D4 जो है आपके वो क्या है रिवर्स, D2 एंड D3 जो है वो क्या है आपके फॉरवर्ड, ओके। फॉरवर्ड मीन्स अगेन शॉर्ट सर्किट, रिवर्स मीन्स अगेन ओपन सर्किट, ओके। नाउ अब यहां पर ट्रांसफॉर्मर अगेन 1:1 रेशियो का है टर्न्स रेशियो, तो यहां पर आपका आंसर जो है देखिए पूरा का पूरा जो MT है वो आपका आ जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर की। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो आपका प्लस साइन है वो आपका
इस तरह से शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब प्लस साइन आपका यहां चला जाएगा, माइनस साइन जो है देखिए इस तरह से शॉर्ट है तो माइनस यहां चला जाएगा, ओके तो यहां पर आपका माइनस प्लस एमटी आया, तो ये सेम सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाएगा माइनस प्लस एमटी, दैट मींस एसटी क्या होगा आपका माइनस एमटी हो जाएगा यहां से, क्लियर है पॉइंट, तो एसटी इज इक्वल टू माइनस एमटी, ओके नाउ तो ये हमारे दो केसेस है, जब कैरियर आपका पॉजिटिव है तो एसटी जो है वो एमटी के इक्वल आया, जब कैरियर आपका नेगेटिव है तो जो एसटी है वो आपका माइनस एमटी के इक्वल आया, ठीक है। तो ये दो केसेस हो जाने के बाद हम लोग अब इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या वाकई में डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं मैसेज सिग्नल ले रहा हूं, एक साइन वेव, ओके एमटी, ठीक है, ये लाइक दिस आपका ये मैसेज है, ओके नाउ कैरियर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहां पर सीटी, कैरियर क्या है आपकी स्क्वायर वेव है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक स्क्वायर वेव ड्रॉ कर देते हैं, ओके सो फॉर दैट मैं यहां पर एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए अब अगर मैं यहां पर एक स्क्वायर वेव ड्रॉ करूं लाइक दिस, ओके सो ये आपकी फर्स्ट साइकिल हो गई, नाउ एक और साइकिल मैं ले लेता हूं यहां से, ओके तो ये आपकी सेकेंड साइकिल, नाउ फाइनली आउटपुट एसटी, तो एसटी के लिए आप ध्यान से समझिएगा हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया है कि जब सीटी की पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो एसटी क्या होगा एमटी के इक्वल होगा, जब सीटी की नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो एसटी किसके इक्वल होगा आपका माइनस एमटी के, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर ये जो है आपका सीटी जो है आपका देखिए स्क्वायर वेव बना हुआ है और एमटी की जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें सीटी की कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सीटी की जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहां पर आपकी, वहां पर आपका जो एमटी है वो क्या होगा एसटी के इक्वल होगा, तो एसटी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहां पर लाइक दिस सेम आपको एमटी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नाउ अब देखिए सीटी की जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें जो एसटी है आपका वो किसके इक्वल होगा माइनस एमटी के, मतलब आपको जो एमटी बना हुआ है इस तरह से वो आपको माइनस साइड मतलब नीचे के साइड ड्रॉ करना है, तो पहले आपको जाना पड़ेगा नीचे के साइड, तो पहले आप चले जाइए, उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देंगे एमटी को, शेप सेम रहना चाहिए बस आपको रिवर्स कर देना है, मतलब जो आप ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहे थे वो आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा हम लोग का, देखिए ये आपका बन गया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट साइकिल के लिए। सेम सेकंड साइकिल के लिए आप देखिए, सेकंड साइकिल में जब आपका सीटी जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो जो एमटी है वो एक्चुअल में नेगेटिव साइड बना हुआ है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जैसा एमटी बना है वैसा का वैसा बना देना है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एसटी जो है वो एमटी के इक्वल है, ठीक है। तो एमटी चूंकि नीचे के साइड ही बना हुआ है तो आपको नीचे के साइड ही बना देना है, ठीक है। तो लाइक दिस हम लोग बना देंगे यहां पर, देखिए ये आपका हो गया एमटी, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर जो सीटी है वो आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। जब सीटी आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है तो जो एसटी है आपका वो क्या हो जाएगा माइनस एमटी, अब आपका एमटी बिलो साइड है तो आपको अब उस एमटी को ऊपर की तरफ बनाना होगा, क्योंकि जो आपका एसटी है वो माइनस एमटी है, दैट मींस अब हमें यहां पर माइनस एमटी ड्रॉ करना है, तो पहले आपको ऊपर की तरफ जाना होगा, ठीक है, उसके बाद अब आपको सेम शेप को ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो लाइक दिस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका माइनस एमटी ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ हो गई यहां पर, ठीक है। यहां पर जो हम नीचे की तरफ आए थे उसे भी हम सॉलिड लाइन कर देते हैं, तो ये आपकी कंप्लीट वेव फॉर्म ड्रॉ होती है, ठीक है, फॉर डीएसबी एससी। अब ये डीएसबी एससी है क्यों, जब हमने डीएसबी एससी पढ़ा था लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको कहा था डीएसबी एससी वेव्स आर जनरली ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, और ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म हम लोगों ने स्टडी की थी कि ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म जनरली डू द जीरो क्रॉसिंग, देखिए यहां पर जीरो क्रॉसिंग हो रही है, जीरो क्रॉसिंग हो रही है इसका मतलब ये ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, और ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है दैट मींस ये कौन सी वेव फॉर्म है डीएसबी एससी डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। तो ये जो सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा है
फॉर DSB SC जनरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और थोड़ा सा टफ भी है, आपको अच्छे से समझना है इसे, ठीक है। अब अगर मैं फिर से आऊं सेकेंड मेथड के स्टार्टिंग में, तो आप देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि इट इज कॉल्ड रिंग मॉड्यूलेटर, वाई इट इज कॉल्ड रिंग, तो मैं यहां पर आपको क्लियर करने जा रहा हूं, ये जो आपके फोर डायोड्स है ना, ये एज अ रिंग कनेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। नाउ यहां पर अगर मैं मेथड को फिर से आपको रिविजन कराऊं, तो देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट जो किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे डिस्कस किया था, वो क्या था कि जो कैरियर है वो आपका होगा स्क्वायर वेव, नॉट अ कोसाइन वेव, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, जो आप दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, दे आर सेंटर टैप एंड टर्न्स रेशियो इज 1:1, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोगों ने केस वन और केस टू कंसिडर किया था, जहां पर हमने एक बार कैरियर को पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया और एक बार कैरियर को नेगेटिव हाफ साइकिल लिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एस टी जो है वो एम टी के इक्वल आया, नेगेटिव हाफ साइकिल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एस टी जो है आपका वो माइनस एम टी के इक्वल आया, ठीक है। और फाइनली फिर हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया, फिगर में जो एस टी सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है हमारा, वो डीएसबी एस सी क्यों है, बिकॉज यहां पर आपकी जीरो क्रॉसिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट मेथड थे फॉर जनरेशन ऑफ डीएसबी एस सी। फर्स्ट इज बैलेंस मॉड्यूलेटर टेक्निक, जो बहुत इजी थी हम लोगों ने देखा था, एंड सेकेंड इज रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टेक्निक में कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपना डाउट्स, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। ओके, थैंक यू।